नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बारे में, या आप ऐसा कह लीजिए कि जो लिमिटेशन है ओम्स लॉ की वो क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहले जो है ओमिक कंडक्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं जो ओम्स लॉ है वो क्या होता है। अगर ओमिक कंडक्टर की बात करें तो ये ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। ओम्स लॉ हमें पता है क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, जिसके अंदर वैल्यू ऑफ आर जो है कॉन्स्टेंट रहती है, और वी और आई ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो वो लीनियर हमारा बनता है। तो ओम्स लॉ क्या है हमारे पास, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, यानी कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट वी इंक्रीज होता है, और अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो ये हो जाता है वी इक्वल टू आई आर। चलिए एक बार इसको समझते हैं कि वी इक्वल टू आई आर है क्या हमारे पास, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो कांस्टेंट है कैसे है। मान लीजिए वोल्टेज हमारी 10 है और आई जो है हमारा यहाँ 5 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, यानी कि वी जो है 10 है तो ये आई इंटू आर जो है 5 इंटू 2 बनेगा, यानी कि करंट जो है ये 5 एम्पियर का होगा 10 वोल्ट के लिए। ऐसा हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, और इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो इसके बराबर आता है 5 इंटू 2 10 के। अब यहाँ पर देखिए वोल्टेज को आप 20 कर दीजिए, 20 करेंगे, अब ये इसका हाफ बढ़ रहा था जो करंट है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो यहाँ पर ये 20 किया तो ये 10 हो जाएगा जो कि करंट है, यानी कि आपने जब इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, 10 इंटू 2 करेंगे वो 20 ही आएगा। अगर आप वोल्टेज को 30 ले लेते हैं तो यहाँ पर इसका हाफ ले लेंगे 15 इंटू 2, तो ये भी इंक्रीज हो गया। जो भी अमाउंट है यानी कि वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट इंक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो ये हमारा ओम्स लॉ है, यानी कि वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, उसको ये फॉलो कर रहा है। तो इस तरह के कंडक्टर जो होते हैं वो ओमिक कंडक्टर होते हैं, और अगर इनके बीच में हम रिलेशन देखें वी और आई के बीच में, तो एक लीनियर रिलेशन हमें मिलता है वी और आई के बीच में। यहाँ पर ये वी ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और यहाँ वर्टिकल एक्सिस पे आई ले लेते हैं, तो कहीं पर भी आप जो है वोल्टेज के साथ करंट की वैल्यू देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ V1 है तो यहाँ पर I1 है, इसी तरह से मान लीजिए V2 वोल्टेज पे देखेंगे आप तो यहाँ पर ये I2 है, तो इस तरह से जितनी आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उतना ही करंट यहाँ पर उस अमाउंट में इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ओमिक कंडक्टर हमें समझ आ गए। दूसरा, नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं? सिंपल सी बात है, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ में पता है क्या होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, यानी कि इसके लिए वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई नहीं होगा। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो उसी अमाउंट में करंट जो है इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जो है वेरी करती है, तो इसीलिए जो है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हमारा नहीं होता। और वी और जो आई ग्राफ है वो इस तरह का लीनियर नहीं बनता, वो नॉन लीनियर बनता है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए V इक्वल टू आई आर हमने बात की, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वेरी करती है। मान लीजिए वोल्टेज को आप 10 करते हैं और यहाँ पर पहले मान लेते हैं ये 5 इंटू 2 था, और यहाँ पर आपने 20 कर दिया, जो वोल्टेज है 20 कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि जो ये करंट है इंक्रीज कर जाएगा इसी अमाउंट में, जैसे यहाँ 10 था यहाँ 5 था, ऐसा नहीं है, 20 है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज के साथ करंट जो है उसी तरह से वैरी नहीं करेगा। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, मान लीजिए वोल्टेज आपने 27 कर दिया, अब इसका हाफ यहाँ पर आना चाहिए 13.5 के लगभग यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए 9 हो गया करंट और जो रेजिस्टेंस है वो 3 हो गया, 9 × 3 ये हो गया 27। तो इस तरह से यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू जो है वेरी कर जाती है, और जो करंट है उसी अमाउंट में इंक्रीज नहीं करता जिस अमाउंट में हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए जो इनका ग्राफ होता है वो हमारा लीनियर फॉर्म में कभी भी नहीं आता। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम वी ले लें और यहाँ पर आई ले लें, अब लीनियर फॉर्म नहीं मिलेगी आपको, लगभग इस तरह की फॉर्म मिल जाएगी, या फिर वी और आई के बीच में लगभग इस तरह की फॉर्म मिल जाएगी। यहाँ पर V है, ये I है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ करंट की अगर ये वैल्यू देखें, एक यहाँ और यहाँ पर सेम वैल्यू ऑफ करंट है, लेकिन जो है यहाँ पर हमें वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। ऐसा भी हो सकता है जो रिलेशन बिटवीन V और जो I है वो यूनिक नहीं होती इस तरह के केस में, यहाँ पर मोर देन वन वैल्यू ऑफ V मिलती है आपको सेम करंट के लिए,
तो ये भी हो सकता है। ये हमारा होता कहाँ पर है, जो मटेरियल होता है हमारा गैलियम आर्सेनाइड लाइट जो एमिटिंग डायोड होता है उसके केस के अंदर जो है वो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अब मान लेते हैं जैसे आप वी और आई के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया, ये वी है और ये आई है, वोल्टेज को आपने इस तरह से इंक्रीज किया और करंट मान लीजिए इस तरह से जो है उसके विद रिस्पेक्ट ये ग्राफ बना। अब वोल्टेज को उसी अमाउंट में जब आप डिक्रीज करेंगे, उसी अमाउंट में सेम मैग्नीट्यूड के साथ डिक्रीज करेंगे, अब जितना करंट की वैल्यू आपको यहां पर मिली थी उतनी करंट की वैल्यू यहां पर नहीं मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए यहां 1 मिली एम्पियर आपको मिला था, लेकिन यहां पर वो नहीं मिलेगा, मान लीजिए 1 माइक्रो एम्पियर आपको मिल जाएगा। वोल्टेज आपने सेम अमाउंट में यहां पर इंक्रीज की, उसी अमाउंट में यहां पर भी डिक्रीज की, वही मैग्नीट्यूड रखा, लेकिन जो करंट का मैग्नीट्यूड आया था इसकी इंक्रीज करने के लिए, उसी अमाउंट में जब वोल्टेज को डिक्रीज किया गया वो करंट का मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, वो अलग आएगा। यानी कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन आई जो है ये फॉलो नहीं करते। तो ये जो है हम जंक्शन डायोड के अंदर देख सकते हैं, जो फर्दर हम चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स को समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।